जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजने गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज से हम ध्यान का अभ्यास इसको आरंभ कर रहे हैं। ध्यान एक सरल स्वाभाविक और प्रयासहीन प्रक्रिया है। इसमें अपन थोड़ा सा आसन का अभ्यास, हल्का सा कुछ प्राणायाम का अभ्यास और उसके पश्चात ध्यान करेंगे। शरीर को तो अपन प्रतिदिन शुद्ध करते हैं, आहार में क्या देना, क्या चीज़ें शुभ है क्या नहीं है उनका अत्यंत विचार करते हैं, परंतु मन के लिए काम कम किया जाता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान से मन की जो मलिनता है, गंदगी है, वो दूर होती है, मन शुद्ध और निर्मल होता है। और ध्यान की समाप्ति पर अपन मंगल कामना करेंगे, क्योंकि मन में जितने भी अंदर विकार, राग के, द्वेष के, अन्य प्रकार के भरे हुए हैं, उनको निर्मल करने के लिए, चित्त को निर्मल करने के लिए मंगल कामना अत्यंत आवश्यक है, तो उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो शांत बैठ जाएं, शरीर एकदम सीधा, वर्टिबल कॉलम सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद, पूरे शरीर का निरीक्षण करें, कहीं कोई अंग कंफर्टेबल ना हो, हिला डुला कर उसको ठीक करके आराम से बैठ जाएं। पूरे शरीर का निरीक्षण कर लें, सिर से पैर तक। अब हम अनुलोम विलोम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो एकदम नए साधक हैं वो बीच में आंख खोलकर वो देख सकते हैं, यदि ये वीडियो देख रहे हो तो उसको देख सकते हैं कि कैसा पोश्चर है, क्या है। और जो पुराने साधक हैं, जो करते रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, है ना, तो शुरू की दो उंगली जो है दाहिने हाथ की, उसको फोरहेड पर, मस्तक पर रखेंगे और अंगूठे को दाहिनी दाहिनी सीधे हाथ वाली नासिका पर रखेंगे और तीसरे नंबर की उंगली को बाई नासिका पर रखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक नासिका से श्वास लेंगे, उस समय दूसरी नासिका बंद रहेगी। जैसे जब लेफ्ट साइड से श्वास ले रहे हैं तो राइट वाली जो नासिका है उसको अंगूठे से बंद कर रखा है, केवल बाई नासिका से श्वास को ले रहे हैं। जब पूरी श्वास ले लें उस समय पेट अपना फूलता है, उसके पश्चात बाई नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी नासिका पर जो अंगूठा रखा हुआ है उसको खोल देंगे, उसको हटा देंगे। तो दाहिनी नासिका से पूरी श्वास धीरे 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 उसको बाहर निकाल देंगे। जब पूरी श्वास बाहर निकल जाएगी तो उसी दाहिनी नासिका से ही, जिससे श्वास बाहर निकाली, पुनः श्वास लेंगे, उससे श्वास लेंगे। और जब श्वास भर जाएगी तो अंगूठा लगा के दाहिनी नासिका बंद कर देंगे और बाई नासिका पे जो तीन नंबर उंगली रखी हुई है उसको हटा लेंगे और उससे श्वास छोड़ देंगे। पुनः बाई से लेंगे, फिर दाहिनी से छोड़ेंगे। तो इस क्रम से इसको करेंगे। तो अभ्यास आरंभ करेंगे, उसमें टोटल अपने को जो लेना है लगभग लगभग 18 श्वास लेना है और 18 श्वास छोड़ना है ना। लेंगे और छोड़ेंगे ये एक होगा, फिर लेंगे और छोड़ेंगे ये दो होगा। तो 18 श्वास लेंगे और 18 श्वास
छोड़ेंगे। आरंभ करें अभ्यास। बहुत अच्छे। एक दो श्वास लेकर अनुलोम विलोम प्राणायाम को पूरा करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, वर्टिबल कॉलम सीधा, शरीर एकदम ढीला, नेत्र बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव, मुदिता का भाव, हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब संकल्प के द्वारा, अर्थात ऐसा सोचेंगे और लेंगे, दाहिनी नासिका से 6 श्वास लेंगे और दाहिनी से ही छोड़ेंगे। जब वो 6 श्वास पूरी हो जाएगी तो फिर बाईं नासिका से श्वास लेंगे और बाईं से ही छोड़ेंगे। तो दोनों नासिकाओं से क्रमशः एक के बाद एक, लगभग एक एक मिनट के लिए संकल्प से उंगली का प्रयोग, अंगूठे का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस नासिका से ले रहे हैं उसी से छोड़ेंगे। 6-6 श्वास भरें और छोड़ें। यही क्रम दूसरी नासिका से दोहराएं। केवल संकल्प के द्वारा
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब 3 नंबर, उंगली और अंगूठा दाहिने हाथ का, उसके माध्यम से बाई नोस्ट्रिल से, बाएं नथुने से, लेफ्ट वाले से श्वास लेंगे और पूरी श्वास भरने के बाद लगभग 5 सेकंड श्वास लेंगे, उसको रोक देंगे, बंद कर देंगे। आंतरिक कुंभक का अभ्यास करेंगे, जितनी सामर्थ्य हो उतनी देर रोकेंगे और फिर दाहिने नथुने से उसको निकाल देंगे। उसके बाद एक दो नॉर्मल सांस लेंगे, सामान्य सांस लेंगे और फिर दाहिनी नासिका से सांस भरेंगे और यथाशक्ति रोकेंगे और बाईं से उसको छोड़ देंगे। तो पहले दाहिना अंगूठा दाहिनी नासिका पर और लेफ्ट से सांस भरें। रोक लें। यथाशक्ति रोकने के बाद छोड़ दें, दो तीन सामान्य श्वास, फिर दाहिनी नासिका से भरें, फिर रोक लें और बाईं से छोड़ दें। दो तीन सामान्य श्वास। अब वज्रासन में बैठ जाएं, अपन भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, घुटने मोड़ के, पंजे मिले हुए, एड़ियां फैली हुई, वो सीट बना के उस पर बैठ जाएं। दोनों हाथ कोहनी से मुड़े हुए और अंगूठे मुट्ठी बंद, अंगूठे दोनों अंदर की ओर, सीने की ओर, अंगूठे दोनों एक दूसरे की ओर, और जब श्वास भरेंगे तो ये हाथ ऊपर जाएगा और मुट्ठियाँ खुल जाएगी पूरी हाइट पे जाके, और जब श्वास छोड़ेंगे तो उसको झटके के साथ वहीं तक लाएंगे, वापस कोहनी तक मोड़ देंगे और बाहर फेंकेंगे। ऐसा 10 बार श्वास केवल फेंकना है। रुक जाएं, 10 बार फेंकने के बाद रुक जाएं। केवल श्वास फेंकना है 10 बार, फिर रुक जाएं। पुनः अभ्यास करें लगातार 10 बार फेंकने का। दोनों हथेली घुटने पर, नेत्र बंद, खेचरी मुद्रा, जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगा दें, यथाशक्ति लगा के रखें और फिर खोल देंगे बाद लगभग 30 सेकेंड। आराम से सुखासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास लें, दोनों हाथ घुटने पर, चाहे तो ध्यान मुद्रा, चाहे तो ज्ञान मुद्रा, वर्टिब्रल कॉलम सीधा, पूरे शरीर को देख लें, सब जगह वो सुविधाजनक हो, कंफर्टेबल हो, नहीं तो हिला डुला कर ठीक कर लें।
पूरे शरीर का निरीक्षण करें, सामान्य श्वास लें। अब ओम चैंटिंग के लिए श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण है। श्वास लें, पुनः श्वास भरें गुंजार करते हुए। अब श्वास भरेंगे और ओम के साथ म में गुंजार पूरा। नेत्र बंद, पूरे शरीर का शिथिलीकरण करेंगे। पूरा शरीर दृढ़ है, स्थिर है, शांत है, शिथिल है। सर से शुरू करें, पूरा ध्यान सिर पर, पूरा सिर, पूरा सिर, पूरे बाल वाले स्थान, सब एकदम रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं। पूरा ध्यान सिर के ऊपर, सारी नसें, पूरी त्वचा, सब एकदम रिलैक्स्ड है। दाहिनी कनपटी पूरी रिलैक्स्ड है, पूरा रिलैक्स। दाहिना कान के ऊपर का भाग, बाई कनपटी, सब बिल्कुल रिलैक्स्ड है। सर के पीछे का भाग, पूरा फोरहेड एकदम रिलैक्स्ड है, तनाव रहित है। आईब्रोज, दोनों नेत्र एकदम आराम से हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं। पूरी नासिका, दाहिना गाल, एक एक नसें तनाव रहित, पूरा आराम है। बायां गाल पूरा रिलैक्स्ड, पूरी त्वचा, अंदर के तंतु, नसें, सब रिलैक्स्ड है। दाहिना कान, सबको रिलैक्स करते हुए चलें। पूरा बायां कान, पूरा गला, ठुड्डी एकदम शिथिल है, शांत है, स्थिर है। दाहिने हाथ की ओर बढ़ें, अनुभव करें, पूरा कंधा रिलैक्स्ड है। कोहनी तक का पूरा हाथ, कोहनी, फोर आर्म, दाहिने हाथ की कलाई, दाहिने हाथ की पूरी हथेली, अंगूठा, उसका नाखून, पहली उंगली,
नाखून तक खुल गई, एकदम रिलैक्स्ड। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली, पूरा दाहिना हाथ एकदम रिलैक्स्ड स्थिर। बायां कंधा, बायां हाथ, कोहनी, फोर आर्म एकदम शिथिल है, रिलैक्स्ड है, तनाव रहित है, स्थिर है। बाएं हाथ का मणिबंध, कलाई, पूरी हथेली, अंगूठा, सब रिलैक्स्ड। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा हाथ रिलैक्स्ड। गला, छाती, पेट, कमर, पूरी पीठ, सब रिलैक्स्ड। पूरी रिलैक्स्ड कमर, दाहिनी जांघ, दाहिना घुटना, दाहिनी पिंडली, दाहिना टखना, पूरा पंजा, अंगूठा, दाहिने पैर का चारों उंगलियां, सभी रिलैक्स्ड। बायां पैर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाएं पैर का पूरा पंजा, एड़ी, तलवा, अंगूठा, चारों उंगली, सब रिलैक्स्ड। पूरा शरीर रिलैक्स्ड। पुनः वापस चलें, नीचे से ऊपर, बायां पैर, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, सब रिलैक्स्ड। दाहिना पैर, पंजा, टखना, पिंडली, जांग, सब रिलैक्स्ड। कमर, पूरी पीठ, पूरा पेट, छाती, गला, पूरा बायां हाथ, पूरा दाहिना हाथ, सब रिलैक्स्ड। गला, पूरा फेस, सिर, सब रिलैक्स्ड। स्थिर रूप से बैठें, पूरा ध्यान आईब्रो के ऊपर, सिर के मध्य में, पूरा ध्यान सिर के मध्य में, फोरहेड पर, दोनों के आँखों के बीच से थोड़ा ऊपर। बहुत अच्छे। केवल श्वास गिनना है, आती हुई और जाती हुई एक, आती हुई और जाती हुई दो, इस प्रकार 60 तक श्वास गिने, 60 तक। उसके बाद रिवर्स गिने, रिवर्स गिने, 60 तक गिनने के बाद 59, 58, 57, 56, 55, पुनः एक तक आए। शुरू करें,
जितनी भी गिनती हो गिनती बंद कर दें। मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद भावना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी, जलचर नभचर थलचर सभी जीव सुखी, हित चाहने वाले अहित चाहने वाले करने वाले सभी सुखी, सर्वे संतु निरामय सभी निरोगी हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी सब और कल्याण देखें, मा कश्चित् दुख भाग् कहीं भी दुख ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमयक। हम असत्य से सत्य की ओर जाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमयक। अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। मृत्युर्मामृतम गमयक। मृत्यु से अमृत्व की ओर जाए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनांदीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम परस्पर अध्ययन करें, हमारी विद्या वीर्यवान हो बलवती हो, हम परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप की शांति। जय गुरुदेव। जब इच्छा हो तब दोनों हथेलियों को रब करते हुए फेस पे लगा के ध्यान समाप्त करें। Thank you.